हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहे, मुझे इतना ही प्यार दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। तो अभी मेरा गला थोड़ा सा बेटर है, बट ज़्यादा चिल्ला के मैं बात नहीं कर सकता। कल इसलिए मैंने रीडिंग नहीं किया था, कल का भी हालत वैसा ही था, बट थोड़ा सा मैंने रेस्ट दिया वॉइस को और खुद भी रेस्ट पे ही था। तो अभी थोड़ा सा ठीक है गला, सो मैंने सोचा कि रीडिंग करता हूँ। और बहुत सारे लोग वेट करते रहते हैं, मैं जानता हूँ। आप लोगों ने कंसर्न भी दिखाया है, बहुत सारा टिप्स मेरे से शेयर किया और वो सब मैंने आजमाया भी है, कुछ कुछ टिप्स जो कि फ़ायदा किया है। बट साथ ही साथ में मैं जानता हूँ आप लोग वेट करते रहते हो, खास करके जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है या फिर बहुत कम बातचीत होता है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और आप लोग वेट करते हैं कि कब मेरे एंड से कुछ आपको सुनने को मिले, आपके पार्टनर का अंदर का जो वॉइस है या अंदर का जो फीलिंग है। तो इस वजह से रीडिंग लाना पड़ता है मुझे। बट आप लोग इतना कंसर्न मुझे दिखाए, थैंक यू सो मच। मैं आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम वेरी टच्ड कि इतना केयर, इतना प्यार आप देते हैं मुझे। ओके, सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये करंट फीलिंग्स लव रीडिंग होगा, बट इसका जो एनर्जी है वो 72 आवर्स तक ही रहेगा। यानी कि जब से ये रीडिंग आप देखना चालू करेंगे उस वक्त से लेके 72 आवर्स तक इस रीडिंग का वैलिडिटी रहेगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे करंट फीलिंग्स लव रीडिंग है, चेक कर सकते हैं। अगर वो भी देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा अगला करंट फीलिंग्स लव रीडिंग आने तक। यहाँ पे रोल्स डेफिनेटली रिवर्स हो सकता है, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, और रीडिंग का सबसे खासियत खास बात ये है कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है। यानी कि सिंगल्स, मिंगल्स, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, क्रश, मैरिड, अनमैरिड, सभी के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। और साथ ही साथ में सिचुएशन यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लव इक्वेशन होना ज़रूरी है। ओके, बिकॉज इट्स अ लव रीडिंग, तो थोड़ा बहुत प्यार होना कंपलसरी है। ओके, तो हर रीडिंग में मैं कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछता रहता हूँ। इस रीडिंग में अभी फ़िलहाल तो कोई सवाल याद नहीं आ रहा है, बट अगर आप लोग कोई सवाल मेरे से पूछना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में आज मुझे बताइए कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। अगर हो सकता है, पॉसिबल हो, तो मैं कल उसका आंसर ज़रूर दूंगा। बट सवाल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अजीब गरीब कोई सवाल होगा तो उसका आंसर मैं डेफिनेटली नहीं दूंगा। कुछ कुछ स्पिरिचुअल सवाल भी आप पूछ सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कुछ जानना है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल हो अगेन तो मैं आंसर दूंगा। ओके, बट आप पूछिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या, किस तरह का सवाल आप पूछना चाहते हो। ओके, अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी। ओके, वी गॉट द कार्ड। देयर करंट जनरल एनर्जी द वर्ल्ड कार्ड। सो समथिंग एंडेड, एक साइकिल आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो लव साइकिल था या जो इक्वेशन है या फिर जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से एंड हो गया है, वो साइकिल ख़त्म हो गया है। अच्छा, इसका एक और पहलू भी निकल सकता है कि इस कार्ड का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके का पहलू निकल सकता है। मैं क्लैरिफाई करके फिर मैं बोलता हूँ इसका। लेट्स क्लैरिफाई दिस वॉल्ट कार्ड।
Let's see why this wild card is here. Wild card being clarified by Nine of Pentacles, okay, King of Swords, and the Ace of Cups, okay. Bottom of the deck is the Tower, okay. So sudden, unexpected way में ही ये रिश्ता जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते का जो साइकिल है उस साइकिल का एंड हुआ है. अब यहाँ पे जो मुझे यहाँ दिख रहा है एक बहुत ही पेनफुल साइकिल, एक बहुत ही दर्दनाक साइकिल का एंड या खात्मा हुआ है जो कि आपके ज़िंदगी में एक टाइम पे हुआ करता था इस पार्टनर के रिगार्डिंग. करेंटली आई कैन सी बोथ ऑफ यू आर सिंगल, ओके. करेंटली आई कैन सी बोथ ऑफ यू वांट क्लैरिटी फ्रॉम ईच अदर. खास करके ये इंसान, ये जो आपके पार्टनर हैं, ये खुद को भी सिंगल महसूस कर रहे हैं. एक तरह से उनका पूरा फोकस अपने पैसे पे, अपने कैरियर पे ही ज़्यादा है. ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान ऑफ, कोल्ड एंड डिटैच रहने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अल्टीमेटली इस इंसान को फ़र्क पड़ता है. इस एंडिंग से इस इंसान के दिल पे एक तरह से घाव हुआ है, एक तरह से ये इंसान बहुत इमोशनली टूट गए हैं. और साथ ही साथ में मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि रोते भी हैं, ओके. कभी कभी ये रोते भी हैं, थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं जब भी इस रिश्ते के बारे में ये सोचते हैं जो एंडिंग हुआ है. खास करके इस एंडिंग के बारे में जब वो सोचते हैं उनका दिल भर आता है, ओके. या इस इंसान के लिए अभी इमोशंस का उतना जगह नहीं है, लव या प्यार का उतना जगह नहीं है. अभी फिलहाल उनका दिल एक तरह से दुखी है और दिल भरा हुआ है एक तरह से, बिकॉज ऑफ दिस सडन एंडिंग, बिकॉज ऑफ दिस सडन सेपरेशन, बिकॉज ऑफ दिस सडन साइकिल का ख़त्म होना, एक लव साइकिल का ख़त्म होना, ओके. या एक इक्वेशन का ख़त्म होना. Let's see what is their current feelings. Let's see what is their current feelings. आपके पार्टनर का करेंट फीलिंग्स क्या है? Let's see. आपके पार्टनर का करेंट फीलिंग्स क्या है? Let's see. ये हमारा घर है और ये पीछे आप देख रहे हो माता रानी है. माता रानी का मूर्ति रखा है इधर और नवरात्रि चल रहा था तो मैंने सोचा आज इधर बैठ के ही रीडिंग करता हूँ बस. बट ये एक तरह से पूजा रूम ही है और बाकी बहुत सारा सामान भी इधर रहता है. यहाँ पे एसी नहीं है तो काफ़ी गर्मी भी है, बट यहाँ का वाइब्रेशन बहुत अच्छा है इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे बैठ के करना है. आई लव दिस रूम. और ये थोड़ा सा पुराने ज़माने का रॉयल किस्म का रूम है, उसका इंटीरियर उस तरह का है, बहुत पुराने ज़माने का है वो. मैं खुद भी रॉयल फैमिली से हूँ. एनीवेज, सो लेट्स सी आपके पार्टनर का करेंट फीलिंग्स. द जस्टिस, द हाई प्रीस्टेस एंड द डेविल. वाओ. बॉटम ऑफ द डेक इज फोर ऑफ कप्स. दिस पर्सन इज हाईली ऑब्सेस्ड आपको लेके. ये दिस पर्सन इज मिसिंग यू अलॉट, पहली बात. आपको मिस भी कर रहे हैं, दे आर ऑब्सेस्ड, दैट इज़ वाई दे आर मिसिंग यू. आपके बिना रह पाना इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल है. आप एक तरह से इस इंसान के लिए नशा है, एक ऐसा नशा जो कि छोड़ना बहुत मुश्किल है. छोड़ तो दिया है बट ये नशा छोड़ना बहुत मुश्किल है. अब जब मैं जोर से बात करता हूँ तब गला दुख रहा है बट बोलना पड़ता है इस तरह से क्योंकि एनर्जी वैसा है. This person is like they're very obsessed. They want to give you some clarity, but they're unable to give, or in some situations they don't want to give you. Okay? Because ये जो ending हुआ है ना इसके वजह से ये इंसान इतना sad हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, shocked हो गए हैं. एक तरह से ये
मायूस भी हो गए हैं, साइलेंट भी हो गए हैं, और बिकॉज ऑफ दिस साइलेंस, ये एक गुस्से वाला जो साइलेंस होता है ना, ये गुस्से वाला साइलेंस है, क्योंकि ये पहले आपको कंट्रोल करते थे, आप एक तरह से जैसा ये बोलते थे वैसा होता था, और आपके साथ रहते रहते ये एक तरह से हैबिट भी बन गया इस इंसान का, बट बिकॉज ये साइकिल ख़त्म हो गया, आप दोनों अलग हो गए, तो राइट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी ऑब्सेस टूवर्ड्स यू, दिस पर्सन वांट्स कि कोई जस्टिस हो, दिस पर्सन वांट्स टू बी प्रैक्टिकल कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सच है, क्या झूठ है, दिस पर्सन नोज एवरीथिंग बट दे आर साइलेंट, दे आर ऑल साइलेंट, अभी बात करना नहीं चाहते बेसिकली, दैट इज द रीजन दे आर साइलेंट, कुछ बोलना ही नहीं चाहते वो, दे आर लाइक ओके, गुस्से वाला शांत, गुस्से में लोग चुप हो जाते हैं, ये वैसा है, ये गुस्से में चुप हो गए हैं, ओके, लेट्स सी आप लोगों का एनर्जी कैसा है, लेट्स सी आपका एनर्जी कैसा है, व्हाट इज योर फीलिंग्स एंड एनर्जी, बहुत गर्मी है यार यहाँ पे, ओके द फूल कार्ड, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग मैन, ओके यू आर टेकिंग द लीप ऑफ फेथ ऑफ द यूनिवर्स, यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामा वाटर एंड यू आर एब्सोल्युटली सरेंडर, यू हैव सरेंडर योर सेल्फ टू द डिवाइन, आपने पूरा अपने आप को भगवान को समर्पित ही कर दिया है, एक तरह से आप भगवान के बन गए हैं, एक तरह से भगवान का अमानत बन गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप भगवान का जागीर हैं और आपको ज़िंदगी बिताना है, आगे बढ़ते रहना है, रिस्क हो नो रिस्क हो, जो भी सिचुएशन हो भगवान आपको पार करके लेके जाएंगे, यू हैव दैट फेथ एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर मूविंग टूवर्ड्स द कामो वाटर, इस ब्रेकअप ने, इस एंडिंग ने, ये जो रिश्ता ख़त्म हुआ है ना, वर्ल्ड कार्ड वाला जो एनर्जी है, इस एंडिंग ने आप दोनों को ही एक तरह से काफ़ी झंझोर के रख दिया है, जो मैं देख रहा हूँ, बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ वांड्स, यू वांट कम्युनिकेशन, आप बात करना चाहते हैं इस इंसान से, आपके दिल ही ख्वाहिश, दिल ही तमन्ना है कि बातचीत हो और जल्द से जल्द हो, बट आप बहुत ही रिलैक्स्ड एक मोड में है, आप एक ऐसे मोड में है जहाँ पे आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, और कम्युनिकेशन भी आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान अगर चाहेंगे तो कम्युनिकेशन कभी ना कभी होगा इस जन्म में, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, बट मैं कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, अब भगवान जानते हैं जो करना है वो करेंगे, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, रिस्क खराब हो, रास्ता टूटा हुआ हो, आगे खाई हो, गड्ढा हो, कुछ भी हो, भगवान मेरे को संभाल लेंगे, तो यू हैव दैट बिलीव, यू हैव दैट पॉजिटिविटी इन योर माइंड and you have surrendered yourself to the divine and you are moving towards the karma water, aap is insaan ko bhule nahi hai but aapke dil ke andar see three of swords you have pain, aapke dil ke andar dard hai but bas is dard ko aap ek tarah se channelize kar rahe ho through this spirituality ke zariye aap is dard ko ek tarah se channelize karke aage badh rahe ho, it's a very difficult task, very very difficult, I can understand that but you are doing it and congratulations ki aap aisa kar pa rahe ho, you are a very strong person, I know you are heartbroken, aapka dil toota hua hai, bahut pain, bahut dard mein hai aap, aap chahte hai, dekhiye dil ke andar aapka khwahish hai ki aap communication chahte hai, fir bhi aap pura apne aap ko samarpit kar rahe ho bhagwan pe ki jo hoga dekha jayega, that's the best thing that you are doing, isse kya hoga, isse aapka rasta khula rahega, ब्लॉकेज नहीं रहेगा तो भगवान आपको अच्छे इंसान, जो आपके लिए सही इंसान होगा वो भेज पाएंगे, ओके, क्योंकि आप अपने आप को उन पर उनको समर्पित कर दिया है आपने, जो कि बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड, ओके, ये सब 72 आवर्स का एनर्जी है, तो उस हिसाब से लीजिएगा, जो भी पूरा रीडिंग है आज का वो 72 आवर्स के लिए वैलिड है, ओके,
अब हम देखेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर इंटेंशन, उनका इरादा ढंग से खास भी नहीं पा रहा हूं, इतना गले का हालत खराब है, फिर भी आज बेटर है, कल और उसके पहले दिन तो बहुत खराब हाल था, मैं बात ही नहीं कर पा रहा था, इतना खराब। लेट्स सी द इंटेंशन, द मून कार्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। गॉड, दिस पर्सन इज वेरी स्केयर्ड टू कम टूवर्ड्स यू, आपको सॉरी बोलने के लिए, आपसे माफी मांगने के लिए, आपके तरफ आने के लिए। दिस पर्सन इज वेरी वेरी स्केयर्ड, दे आर स्केयर्ड टू रीच यू। एक तो गुस्सा भी है, ऊपर से वो थोड़ा सा डरे हुए हैं कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, ऊपर से आपके साथ ये जो सिचुएशन है ये बहुत हैवी सिचुएशन है, ये जो ब्रेकअप है ये कोई मामूली ब्रेकअप या मामूली एंडिंग नहीं है, इसका इसका हैवीनेस बहुत ज़्यादा है। एंड दे जस्ट वॉन्ट टू ड्रॉप दिस सिचुएशन, दे डोंट वॉन्ट टू टेक दिस बर्डन एनी मोर, इतना बर्डन ये लेना नहीं चाहते अभी फिलहाल, दे डोंट वॉन्ट टू टेक दिस बर्डन राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर द 72 आवर्स। हाँ, ये 72, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज फॉर 72 आवर्स, फॉर 72 आवर्स दे डोंट वॉन्ट टू टेक दिस एनी ऑफ दिस बर्डन ऑन ऑल, बट ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं फॉर श्योर। दिस पर्सन फील्स के आपके बिना उनका जग सुना सुना है, टेन ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू अलॉट फॉर श्योर, दे आर मिसिंग यू अलॉट, बट दिस पर्सन इज स्केयर्ड टू रीच यू, टू हैव अ कम्युनिकेशन विद यू। हो सकता है कुछ और भी चल रहा है पीठ पीछे फैमिली के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, घर पे कोई इशू है, घर पे कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है, चांसेस है, जिस चीज़ ने उनको और ज़्यादा तोड़ के रख दिया है, क्योंकि शायद आप उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम हुआ करते थे, आपके साथ भी इशू हो गया, आपके साथ भी रिश्ता टूट गया, अब इस इंसान के लिए कुछ बचा नहीं है बेसिकली, सो दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू दिस फेज। इट्स अ वेरी वेरी सैड, डिप्रेस्ड, बर्डनसम फेज, एंड देयर इंटेंशन इज टू ड्रॉप दिस बर्डन एज सून एज पॉसिबल। ओके, लेट्स सी आप लोगों का इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट इज योर इंटेंशन। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द वर्ल्ड कार्ड, डबल कंफर्मेशन, अगेन बहुत दिनों के बाद, मेरा रीडिंग यूजुअली उतना गलत नहीं होता, फटे हुए गले से भी ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये रिश्ता एक तरह से ख़त्म हो गया है, एंड बिकॉज ये रिश्ता ख़त्म हो गया है आप इतना ज़्यादा दर्द में है, बिकॉज ऑफ दिस सडन एंडिंग यू आर वेरी 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 सैड, वेरी सैड, एंड आप कोशिश कर रहे हो जितना हो सकता है अपने आप से प्यार करने का, अपने आप को संभालने का, अपने आप को उतना प्यार, उतना केयर, उतना पैम्पर देने का, जिससे कि आप थोड़ा सा हील्ड महसूस करो, जिससे कि आपके अंदर उठने का, चलने का एक ताकत आए, साथ ही साथ में यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर इमोशन, योर पावर, योर स्ट्रेंथ एंड यू ऑल्सो एंड दिस ब्रेकअप, एवरीथिंग यू वॉन्ट टू बैलेंस। ओके, बिकॉज इस हार्ट ब्रेक के साथ हर चीज़ बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, लाइफ बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है, इंसान का हार्ट ब्रेक जब होता है वो एक तरह से उनके लिए मौत ही है, वो जो फेस जाता है वो एक तरह से मौत है, तो जब इंसान उस तरह के फेस से गुजरता है वो एक तरह से लाश बन जाता है। ओके, उस लाश को
अब घर वाले हैं, दोस्त है, ये है, सभी आके पूछेंगे। क्या होता है, हम लोग कवर अप करके रखना चाहते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं करना चाहते किसी और को कि हमारे अंदर से क्या गुजर रहा है। सो आप अपने आप से बात कर रहे हो, अपने आप को प्यार कर रहे हो, अपने आप को संभाल भी रहे हो, हार्ट ब्रेक को संभाल रहे हैं। वेरी वेरी पावरफुल, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आई डोंट नो विच साइन यू आर, हम देखेंगे आगे, बट यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप जो भी इंसान है, ये आप जो कर रहे हो, ये कर पाना बहुत मुश्किल है, बट समहाउ यू आर डूइंग दिस। अपने आप से प्यार करना इस हालत में, अपने आप को संभालना। शायद आप अपना आंसू खुद पोंछ रहे हैं, शायद आप रोते हो तो खुद ही खुद को चुप कराते हो कि मत रो मत रो। मुझे यहां दिख रहा है इस तरह का चीजें। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ओके, लेट्स सी द एक्शन या आउटकम इन दिस सिचुएशन, इन दिस लव रीडिंग। क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है फ्रॉम योर पर्सन साइड? लेट्स सी, आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है? विद इन 72 आवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। वाओ, दे आर गोइंग टू हाईली हाईली मैनिफेस्ट अ रिकॉन्सिलिएशन, अ रीयूनियन। हो सकता है आप इस इंसान के साथ किसी एक साथ ऑफिस में थे, या फिर पार्टनरशिप में थे, या फिर शादीशुदा थे, एक तरह से क्या बोलूँ मैं, एक पार्टनरशिप के अंदर थे। दिस पर्सन वॉन्ट्स यू बैक इन देयर लाइफ, दे आर हाईली मैनिफेस्टिंग दिस रीयूनियन फिर से। ओके, दे आर ट्राइंग टू सेट देयर गोल, दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट ऑल्सो। हो सकता है 72 आवर्स के अंदर हल्का फुल्का कम्युनिकेशन भी हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये इंसान अभी मैनिफेस्ट करेंगे। दे विल मैनिफेस्ट अ रीयूनियन एंड अ रीबिगिनिंग एंड सम मूवमेंट इन द रिलेशनशिप। इट्स ओके, इट्स ओके, इफ दे वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, लेट देम मैनिफेस्ट। इट्स ओके, इट्स ओके टू टेक टाइम, इट्स ओके इफ दे आर टेकिंग टाइम। उनको समझने दीजिए, क्योंकि आप अगर अपने एंड से हड़बड़ी करेंगे, वो भी हड़बड़ी करेंगे, तो अल्टीमेटली कुछ होगा नहीं। उनको रियलाइजेशन, उनका रियलाइजेशन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इफ दे आर रियलाइजिंग, इफ दे आर मिसिंग यू, दे विल ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट यू बैक इन देयर लाइफ, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर डूइंग। एंड इन दिस 72 आवर्स दे विल डू दैट, सो लेट देम डू दैट, लेट देम मैनिफेस्ट अ न्यू बिगिनिंग, अ रीयूनियन, एंड होपफुली ये इंसान एटलीस्ट आपके तरफ थोड़ा बहुत मूवमेंट दिखाएंगे अपना। ओके, ओके, अब हम देखेंगे द साइंस। ये साइन आपका भी हो सकता है, ये साइन आपके पार्टनर का भी हो सकता है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर रीडिंग, अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है बट साइंस मैच ना करे, तो ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। टॉरस, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस एंड वर्गो। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, टॉरस, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस एंड वर्गोस। ओके, अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इन दिस सिचुएशन। यूनिवर्स की तरफ से इन दिस सिचुएशन आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है? लेट्स सी,
यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक गाइडेंस है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए शायद, इसीलिए ये निकला है। अच्छा, अगर सपोज़ आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी, खास करके मैरिड थर्ड पार्टी के साथ अटैच्ड है, एंड इफ़ यू आर फीलिंग कि वो रिश्ता ख़त्म करके आपके तरफ आएंगे, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं इस तरह का वेटिंग करना बंद कर दीजिए, ऐसा होगा नहीं। इफ़ यू आर थिंकिंग कि वो इंसान उस दूसरे इंसान को छोड़ के आपके तरफ आएंगे, दूसरे इंसान के साथ उनका जो शादी वाला कनेक्शन है उसको तोड़ के आपके तरफ आएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि इस चीज़ का वेट करना बंद कर दीजिए, अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो तो। इट्स अ वेरी स्पेसिफिक गाइडेंस, ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, सभी के लिए ये गाइडेंस नहीं है, बट स्पेसिफिकली अगर यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहे हैं तो सिर्फ उस स्पेसिफिक इंसान के लिए है जिसके लिए ये एप्लीकेबल होगा, बाकियों के लिए ये नहीं है। बाकियों के लिए सिर्फ इतना ही है कि ज़्यादा वेट करना बंद कर दीजिए, जो होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, बस इतना ही गाइडेंस है। और जो स्पेसिफिक गाइडेंस था वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये था आज का रीडिंग, कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। ये जो रीडिंग है, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ फॉर 72 आवर्स, ये 72 घंटे के लिए है, और जब से आप ये रीडिंग देखना चालू करेंगे उस वक्त से लेके 72 आवर्स तक इस रीडिंग का वैलिडिटी रहेगा, ओके? और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और हम जल्द से जल्द 20,000 सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे। ये खांसी को ठीक कर, मैं इतना बोल ही नहीं पा रहा हूँ। सो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कैसा लग रहा है रीडिंग वो ज़रूर कमेंट्स में बताइए, कोई सवाल हो वो कमेंट्स में मुझे बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो कल, तब तक के लिए Please take care of yourself and I need to take care of myself also. मैं throat chakra को energize भी नहीं कर पा रहा हूँ, वक्त की कमी है, मैं बहुत बिजी मेरा चल रहा था, अब से थोड़ा सा फुर्सत मेरे को मिलेगा and I will work on this throat chakra and hopefully कल तक मेरा गला ठीक हो जाएगा, hopefully. I need to give some rest to my voice. So thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video. Tab tak ke liye please take care of yourself. I need to take care of myself. And please aap log bhi ye thanda garmi wala mausam se thoda bach ke raho. AC aur garmi bar bar hone se aaj mera ye halat ho gaya.